गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन एक के ऐसे सवाल करने वाले हैं जिसे 90% लोग गलत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो सवाल को आज देखेंगे, सवाल को करेंगे जिसको 90% लोग गलत करते हैं और गलत क्यों करते हैं। ठीक है, जबकि वो कुछ ही सेकेंडों में उनका हल निकलेगा, मतलब उनका उत्तर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं ये सवाल, इसमें ऐसा क्या है जिसमें से कि 90% लोग यहाँ पे गलत करते हैं, केवल 10% लोग ही इनको सही कर पाते हैं। ठीक, अब आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पे आप 90% में आते हैं या फिर 10% में आते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, और इसमें बस बहुत ध्यान से समझना चाहिए, बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन बहुत ज्यादा लोग इसको गलत करते हैं। और जैसे कि ये जो सवाल है ये वाला, ठीक है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, SSC की एग्जाम में आया हुआ है सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सवाल होंगे वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका। तो सबसे पहला सवाल लेते हैं, और इसमें दिया है 0.2 × 0.004 × 0.003 × 0.005, तो इसका मान निकालना है। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, तो इसका मान निकालें। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना है, बहुत सरल तरीके से करना है इसको। यहाँ पे केवल संख्याएं संख्याएं आपको देखना है। ठीक है, संख्याएं लिखिए, जैसे कि 2 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, और आपको दिख रहा है सबके सब गुणा में है। इसका मतलब ये है जितनी संख्या है संख्याओं का पूरा गुणा कर दो, सिंपल ही गुणा होगा। ठीक, तो गुणा करो यहाँ पे 5 × 15। ठीक है, 5 का इसमें गुणा होगा, कितना होगा 15, और 15 का फिर इसमें 4 में गुणा होगा, मतलब 15 × 30 और 4 बार करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 5 × 15 और 15 × 60। ठीक है, 15 × 60 होगा, ये 60 होगा। ठीक है, और ये 60 का इस 2 में कर दो तो कितना आएगा 120, मतलब यहाँ पे आपका इनका टोटल जो गुणा है 5 का, 3 का, 4 का और 2 का, इनका आपस में गुणा किया तो कितना है 120। ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ये देखना है, अब पॉइंट को देखना है क्योंकि पॉइंट बहुत जरूरी है, इनके बिना आंसर आएगा नहीं। तो यहाँ पे ये बटा लगाना है। ठीक है, बटा लगाना है, और पॉइंट कितनी संख्या के पहले पॉइंट है आप देख लें, तो 1, 2, 3, ठीक, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, मतलब 10 संख्या के पहले पॉइंट है। ठीक है, कितनी, 10 संख्या के पहले पॉइंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ये कर लें कि यहाँ पे 10 की घात 10 कर सकते हैं, 10 की घात 10। ठीक है, 10 संख्या के पहले पॉइंट मतलब बटे में 10 की घात 10। ठीक, ऐसा क्यों, ऐसा से किस लिए, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे बटे में 10 लगेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये वाला तो यहाँ पे बटे में 10 की घात कितना लगेगा 3, मतलब 10 ये 3 0 आएगा, यहाँ पर भी 10 की 10 ये 3 0 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना आएगा 10 ये 3 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्या है, ये ऐसे पॉइंट हटेगा और 0 लगेगा तो बटे में आएगा, ये बटे में आएगा, सब बटे में है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आएगा, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 मतलब 3 3 6 और 3 9 और ये 10, तो यहाँ पे 10 की घात 10 यहाँ पे लगा लो। ठीक है, या फिर ये कर लो कि यहाँ पे 3 3 6 और ये 9, तो 10 की घात 9 कर लो, और ये वाला जो 10 है इसको ऐसा कैसा लिख लो यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब आपके पास क्या है, 12 बटे में 10 की घात 9, इसका मतलब ये है कि इसमें यदि से कि हम भाग देते हैं 10 की घात 9 का, तो ऊपर 9 संख्याएं होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 9 संख्याओं के पहले क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 150 लिखा है और यहाँ पे लिखा कितना 100 लिखा है, 2 0 है तो 2 0 है तो इसको क्या करेंगे, 150 है तो 2 0 है तो 1 2 संख्या के पहले पॉइंट लगता है। ठीक है, और यदि यहाँ पे सिर्फ 3 0 होता तो यहाँ पे 150 है, तो अब पॉइंट कहाँ पे लगता है, 1 2 3 तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगता है। ठीक, तो इसी टाइप से यहाँ पे ये 12 है,
ये कितना है 12 है और यहाँ बटे में कितना है 10 की घात 9 है, मतलब 9 संख्या के पहले पॉइंट लगेगा, यहाँ पे तो 9 संख्या है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे आगे जीरो बढ़ा देंगे। एक कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है टोटल 9 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की घात में जितना भी हो उतनी संख्याएं बना लेना है, ठीक है जो है उसके अलावा, ठीक है उनको टोटल सबको जोड़ के। तो अब 10 की घात 9 है, तो अब इससे 10 की घात 9 से इसमें भाग देंगे तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्या के पहले क्या लग जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा, ठीक है और आगे जीरो लिखता हूं, ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो इस तरीके से अपने को से कि इस सवाल को हल करना, इस टाइप के सवाल आए तो ऐसे हल कर लेना, ठीक है ये यहाँ पे बटे में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पे इनको पॉइंट को हटाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है यहाँ पे ये 2.5 है, इस पॉइंट को हटाते हैं तो कहाँ पे जाता है, एक के नीचे, एक संख्या के पहले पॉइंट था ये, ठीक है 5 के पहले यहाँ पे था, तो एक संख्या के पहले पॉइंट था इसलिए यहाँ पे एक जीरो लगाते हैं, ठीक है और यदि यहाँ पे 5 और रहता तो 2 संख्या के पहले पॉइंट था तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दो, तो इस तरीके से यहाँ पे सेम वैसे ही है, ठीक है सबके आगे 0 0 पॉइंट लगे हैं, तो पॉइंट को हटाएंगे बटे में क्या आएगा, जितने संख्या के पहले पॉइंट है उतने 0 नीचे आएंगे, ठीक तो इस तरीके से ये हल हो जाएगा, ठीक है तो सिंपल इस तरीके से कर लेना, बहुत सिंपल है, बस प्रैक्टिस करो एक बार तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक उसके बाद में आता है सेकेंड और दूसरा प्रश्न है, इसको देखो ये भी सेम वैसे ही करना है, ठीक है कोई खास नहीं, कोई अलग नहीं है, लेकिन हाँ इसको यदि से ध्यान से नहीं करा तो 99% कोई संभावना है कि ये गलत सवाल आपका गलत होगा, ठीक है और यदि इसी का आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा एकदम से करेक्ट होगा, एकदम सही होगा, तो वीडियो को रोक ले, ठीक है वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद ये सवाल को आप खुद हल करें, खुद हल करने के बाद फिर यहाँ पे देखें जो मैं बता रहा हूँ क्या आपका आंसर मिलता है, यदि आपका आंसर मिलता है तो आपकी पढ़ाई ठीक ठाक है, आपकी जो मैथ्स है वो सही है, ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे देखें, अब देखो यहाँ पे हल करते हैं और 0.008, 0.01, 0.072 और यहाँ पे क्या है डिवाइड है, यहाँ पे क्या है भाग है, ठीक कोष्टक है, ठीक है यहाँ पे क्या है उसके बाद फिर कोष्टक है, भाग के बाद में 0.12, ठीक है 0.12 इंटू गुणा है, ठीक है फिर 0.0004, तो इस तरीके से यहाँ पे दिया है, तो इसको हल करना है सेम ऐसे ही। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है, गुणा किनका होगा, इनका तो गुणा होगा, ठीक है इनका आपस में गुणा होगा, तो 8 का 1 में करो, 8 एकम 8, ठीक है फिर उस 8 का यहाँ पे 8 एकम 8, तो 8 ही रहेगा, इस 8 का इसमें गुणा करो 72 में, तो 8 गुना 16, ठीक है 16 फिर 56 56 और एक हसे 57, ठीक है 57, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका गुणा हो गया, इन तीनों का आपस में गुणा कर दिया कितना है, ठीक उसके बाद अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे संख्याएं कितनी है, यहाँ पे कितनी संख्या के पहले पॉइंट है पहले ये देखते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 3 संख्या के पहले ये, फिर 1 2 और 1 2 3 मतलब 3 और 3 6 और ये 7 8, तो 8 संख्याओं के पहले क्या है पॉइंट है, 8 संख्याओं के पहले पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक तो यहाँ पे क्या करें इसके बटे में, ठीक है यहाँ पे इसके बटे में क्या लिख ले 10 की घात 8, क्योंकि 8 संख्याओं के पहले पॉइंट है, ठीक तो इस तरीके से यहाँ पे लगा लिया और फिर यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है भागी थे तो ये भागी, ठीक तो भागी लगाया, उसके बाद यहाँ पे इसका और इसका दोनों को क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, 0.12 का और 0.0004 का इनका गुणा हो रहा है, तो गुणा कर दो इसका डायरेक्ट 12 6 48 12 6 48, ठीक है तो यहाँ पे कितना होगा 48 48, लेकिन यहाँ पे भी पॉइंट वाला लग रहा है, ठीक है पॉइंट है तो पॉइंट वाले जो भी से 10 की घात में लिखते हैं उसको हमेशा बटे में लिखना, क्यों क्योंकि पॉइंट हटाते तो बटे में लिखते हैं, ठीक है आपको मैंने पहले यहाँ पे बताया है, तो यहाँ पे कितने संख्या के पहले पॉइंट है 1 2 3 4, ठीक है यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1 2 मतलब टोटल कितनी
छह संख्याओं के पहले पॉइंट है। तो यहाँ पे बटे में क्या लिख देंगे, 10 की घात 6, ठीक, 10 की घात कितनी, 6 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, भाग है, भाग है मतलब ये वाले इस पूरे का भाग इसमें देना है, ठीक। तो जब भी ऐसा भाग मिले, भाग का सिंबल आपको मिले, तो आपको ऐसे लिख लेना है, कैसे, यहाँ पे 5, 7 और 6 ये, और ये वाला सेम ऐसे कैसे 10 की घात 8, ठीक है। और यहाँ पे ये सिंबल को हटा के यहाँ पे क्या लगा लो, गुणा लगा लेना, ठीक, सिंबल को हटा के क्या करना, गुणा लगा लेना, और ये जो संख्या लिखी है इसको उल्टा करके लिख देना, इसको 10 की घात 6 को ऊपर, 10 की घात 6 ऊपर, और ये 48 नीचे, ठीक। तो इस तरीके से करके ये लिख देना, ठीक। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत सिंपल हो रहा है, कैसे, 10 की घात 6 और ये कितनी है, 8 है, मतलब 10 की घात कितनी 2 बचेगी यहाँ, ये 10 की घात कितनी थी 8 थी, तो ये बचेगी तो कितना, 8, 6 से 6 कट जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, मतलब 10 की घात 2 बचेगा यहाँ, ठीक। अब यहाँ पे 10 की घात 2 रहा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब इससे इसको काटो, 12 से कट जाएगा, ठीक, यहाँ से, या फिर 4 से काट लो, तो 4, 4 एकम 4 और ये 4 गुना 8, ठीक है, फिर 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 1 तो 16 होगा, और 400 16 17 में 16 गया तो 1 बचेगा, 1 फिर यहाँ पे लगाया तो ये 416, ठीक है, ये कट गया। तो इस तरीके से ये कट जाएगा, कितना है, 12, ये 144, तो ये 12, तो 12 के पहाड़ों में 12 बार में ये कट जाएगा, क्योंकि 12 का वर्ग होता है, ठीक। तो इस तरीके से ये कितना है, 12 है, और बटे में कितनी, 10 की घात 2, मतलब 10 की घात 2 मतलब कितना, 100, ठीक, 100 है। तो यहाँ पे इधर आपको बता देता हूँ, चलो यहाँ को बता दो, या फिर यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे ये 12 है ऊपर, ठीक है, 12 और बटे में क्या, 10 की घात 2 मतलब 100, ये 100। तो अब 2 जीरो है, बटे में कितने 2 जीरो है, इसे भाग देना, मतलब 2 संख्या के पहले पॉइंट लगेगा, मतलब आपका जो उत्तर आएगा 1, 2 है, तो 1, 2, 1, 2 पीछे से गिनना है, 1, 2, 1 और 2 संख्या के पहले यहाँ पे पॉइंट, तो ये आपका उत्तर आया, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, तो इस तरीके से आपका ये उत्तर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर मिल जाएगा, और आपका आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे, 0.12, ठीक, ये क्लियर होगा। तो इस टाइप से सवालों को यहाँ पे कर लेना है, बहुत सरल तरीके से करना है, इनको कठिन नहीं बनाना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग इसे यहाँ पे लिखते हैं, बटे में लिखते हैं, उसके बाद काटने लगे, काट के फिर से करने लगे, तो उससे थोड़ा क्या लंबा हो सकता है, ठीक है, और टाइम अपना वेस्ट होगा। ये यहाँ पे टाइम मेरे को बताने में लगा, लेकिन आपको एक बार प्रैक्टिस होने के बाद, 2 बार प्रैक्टिस हुआ, फिर बहुत कम टाइम में ये सवाल हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अब यहाँ पे अगला सवाल सर ये है आपके लिए, तीसरा सवाल, और ये है चौथा, ये अलग टाइप की, ये मैं बताऊंगा, लेकिन इसके लिए यहाँ पे आपको इसके लिए बताना चाहूंगा कि ये वाला सवाल 253/11 का 23 = क्या होगा, मतलब 253/11, ठीक, का 23 = कितना होगा, तो इसको आपको हल करना है, बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है, का लगा है, का लगाते हैं, इसको हल करना है, बोर्ड मार्क्स को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बोर्ड मार्क्स को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये आपके लिए है, इसका आंसर निकालें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक। फिर आते हैं अगले प्रश्न, और अगला प्रश्न है ये टाइप, तीसरा टाइप है, ठीक है, कौन सा टाइप है, तीसरा टाइप है, और तीसरे टाइप में इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, बार लगा है, बार मतलब से जब हम बोर्ड मार्क्स लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो से बोर्ड मास लिखा, तो वी बोर्ड मास लिखते हैं, ठीक है, वी बोर्ड मास, ठीक, ये लिखते हैं, जिसमें सबसे आगे क्या आता है, वी आता है, वी आता है मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, विनक्यूलम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बार, ठीक, बार। तो यहाँ पे बार, बार का मतलब ऐसा एक लकीर संख्या के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे ये लकीर है, मतलब ये क्या है, बार है, तो सबसे पहले बार है इस बोर्ड मास के नियम में, इसलिए सबसे पहले किसको हल करना है, बार वाले को, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट कोष्टक, ठीक है, बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, फिर कोष्टक को हल करना है, तो सबसे पहले बार वाले को हल करना है, तो क्या होगा, 3 में से 2 को घटाएंगे, यहाँ पे ये ध्यान रखना है,
कि ये जो माइनस है ये तीन के लिए अभी नहीं है क्योंकि बार लगा है, तो इसके आगे का जो भी सिंबल होगा वो हमेशा प्लस में ही काउंट होगा, ठीक है। फिर ये हल होने के बाद में फिर ये माइनस में काउंट होगा, ठीक है, फिर माइनस रहेगा ये, लेकिन अभी केवल इनके लिए केवल एक ही सिंबल है, ठीक है, केवल माइनस का है। तो तीन में से दो गया कितना बचेगा, एक, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, एक, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे चार है, अब चार में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, तीन, तो यहाँ पे कितना आएगा, इस पूरे की जगह कितना आएगा, यहाँ पे तीन आएगा, और ये माइनस है, माइनस है, और यहाँ पे ये तीन है, ठीक है। अब तीन है तो ये इसका पूरा मामला खत्म हुआ, यहाँ पे कोष्टक ये हटा लो और ये लगा लो, ठीक है, और यहाँ पे टू माइनस है। अब तीन से तीन गया तो क्या बचेगा, जीरो, और यहाँ पे इधर कितना बचा है, दो, दो माइनस जीरो, मतलब आपका उत्तर कितना आया, दो आया, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। बार वाला वैसे ही करना जैसे दूसरे सवाल किए, यहाँ पे केवल बार है इसलिए आपको ये बताना पड़ा, ठीक है। तो बार वाले में ये सिंबल को पहले नहीं लेना है, आगे जो भी सिंबल लगा है उसको नहीं लेना है, काउंट नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखें, क्लियर। इसके बाद अब दूसरा सवाल लेते हैं, और अगला सवाल जो कि इससे बहुत काफी इम्पोर्टेंट होगा, आप ध्यान रखें इसे कि एक एक फंडा अच्छे तरीके से सीखें, एक एक कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करें, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल क्या हो जाते हैं, इसके बाद में ये अगला सवाल है, और अगला सवाल वही बार वाला सेम, ठीक है, एक समझाया, उसके बाद में आपको से ये खुद को करना है, ठीक, लेकिन वीडियो को रोक के इस सवाल को कर लें, करने के बाद वीडियो चालू करें और फिर देखें कि आपने सही किया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे क्या करना है, बोर्ड मास मतलब वी बोर्ड मास आता है, तो सबसे पहले इसको हल करना है बार वाले को, ठीक है, ये क्या है, बार, तो ये बार है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे यहाँ पे, तो ये वाले सिंबल को नहीं गिनेंगे, ठीक है, ये माइनस को, माइनस अभी पांच के लिए नहीं है, ये हल होने के बाद में फिर ये सिंबल काउंट होगा। तो यहाँ पे पांच में से चार जाएगा, कितना बचेगा, केवल एक, ठीक है, पांच में से चार जाएगा तो कितना बचेगा, एक, मतलब यहाँ पे कितना आया, एक। अब यहाँ पे सिक्स माइनस वन होगा, ठीक है, ये सिक्स माइनस इसमें से ये घटा तो वन, ठीक, ये आया। इसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, इधर भी यहाँ पे सेवन है और ये माइनस, ठीक है, ये है कोष्टक में, और यहाँ पे ये लिख लेते हैं पूरा, ठीक। अब यहाँ पे इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा, पांच, ठीक है, पांच रहेगा, तो ये पांच रहा, ये हटा, मतलब इसमें से इसको हटाया पांच आया, अब इसमें से इसको घटा लो पांच को, कितना आएगा, दो, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोष्टक में इस पूरे का कितना आया, केवल दो, यहाँ पे दो, और इधर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे छोटा कोष्टक लगा ले, और यहाँ पे चार है और प्लस कितना है, तीन, ठीक है, चार है और तीन है, यहाँ पे ध्यान रखना है सिक्स माइनस वन फाइव, ये है, अब सात माइनस पांच कितना बचेगा, दो, दो का इसमें गुणा कर देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सिंबल नहीं है, मतलब क्या है, कोष्टक है, कोष्टक मतलब क्या है, गुणा है, तो यहाँ पे दो चौक आठ प्लस तीन, ठीक, ये तीन प्लस आठ, तो आपका आंसर कितना आया, ग्यारह, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको एक एक स्टेप पूरी समझ के रखना है, उसके बाद यदि आपने समझ लिया तो फिर यहाँ पे ये सब कुछ लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप एक स्टेप भी नहीं लिखोगे, ठीक है। इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें पेन पकड़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, पेन पकड़ने की जरूरत नहीं है, तो कैसे तो देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो बिना पेन पकड़े कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें से इसको घटाया, ठीक है, बार वाले को, पांच में चार कितना, एक बचेगा, वो जो एक आया उस एक को छह में से घटा दिया तो कितना बचेगा, छह माइनस एक करेंगे तो पांच बचेगा, ठीक है, तो पांच है और आगे माइनस है, तो सात माइनस कितना आ जाएगा, पांच जो आएगा, ठीक है, तो सात में से पांच को घटा देंगे कितना आएगा, दो आएगा, ठीक है, सात में से पांच दो, ठीक, तो सात में से पांच का दो आएगा, उसके बाद जो दो आएगा वो चार के गुणा में है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिंबल लगा हुआ नहीं है, तो चार के गुणा में है, तो चार में उस दो का गुणा करो, जो दो यहाँ पे सात में से पांच को घटाने पर आया था, ठीक है, तो दो छो कितना आएगा, आठ, ठीक है, आठ, और आठ में इस तीन को जोड़ दो तो आठ और तीन कितना होगा, ग्यारह, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा कितना, ग्यारह।
ठीक है। तो इस तरीके से बिना पेन को हाथ लगाए भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले, ठीक है, उससे पहले आपको बेसिक आना बहुत जरूरी है, ठीक है, बेसिक फंडा आना बहुत जरूरी, क्लियर है उसको। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला प्रश्न है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला प्रश्न है, ये इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, और ये वाला मैं जो बता रहा हूं दिखने में आपको बहुत सरल दिखेगा, बहुत सिंपल दिखेगा, लेकिन इसमें इसमें भी 99% लोग इसको गलत करेंगे, ठीक है, इसमें भी 99% लोग इसको गलत करते हैं। इसका कारण भी बताऊंगा आपको कि इसको गलत क्यों करते हैं, ठीक है, कुछ ही लोग इसको सही कर पाते हैं, ठीक है, और ये सवाल को वही लोग सही कर पाते हैं जिनको बोर्ड मास का रूल अच्छी तरीके से पता है, ठीक है, किसके बाद में क्या आता है, पहले बार आता है, फिर पोस्टल आता है, फिर ऑफ मतलब का आता है, ठीक है, ये सब पूरा कंटिन्यूसली आपको पता है, ठीक है, एक के बाद एक क्या आता है ये पता है, तो ये आपका सवाल सही होगा। अदरवाइज नहीं पता है और आप ऐसे ही इसको कर रहे हैं तो 100% आपका गलत होना ही, ठीक है, आपका सही सवाल नहीं हो सकता। देखो अधिक गलत क्यों होगा ये देखो सबसे पहले, ठीक है, स्टूडेंट्स गलत क्यों करते हैं इसको देखो, तो यहाँ पे अधिकतर लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर से आगे से हल करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, जैसे कि 1/5 दिया और इसको कर देंगे ये भागित है तो इसमें भाग दे देंगे, मतलब भाग है, भाग मतलब इसे गुणा लगा दिया और 5/1 कर दिया, यहाँ पे जब भी भाग रहता है संख्या उलट जाती है, ठीक है, उलट कैसे जाती है, मतलब सिर्फ यहाँ पे ये भाग है तो हम बटे में लिखते हैं 1/5, ठीक है, तो ये संख्या कहाँ पे ऊपर आ जाती है और ये वाली संख्या नीचे आ जाती है, तो इस तरीके से हो जाता है 1/5 गुणित ये 5 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे रहेगा, इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट ऐसे काट देंगे सिंपली, ठीक है, तो इस तरीके से काट देंगे यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आएगा, केवल एक ही बचेगा, ठीक है, केवल एक रहेगा जो कि गलत है, ठीक है, इस तरीके से ये नहीं करना है, हम इस नियम को ध्यान में रख के ही आगे बढ़ेंगे, आपका आंसर करेक्ट आएगा एकदम, ठीक है, तो अपने मन से नहीं करना है, तो इससे आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ पे हल करेंगे इसको इस नियम के अनुसार, वी बोर्ड मास नियम के अनुसार, अब देखो यहाँ पे डिवाइड भी है और का भी है, दो सिंबल है आपके सामने, ठीक है, एक डिवाइड है और दूसरा क्या है का है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्या है विंक्युलम, ठीक है, मतलब क्या है हिंदी में बार, तो वी मतलब क्या है बार, तो इसमें पूरी संख्या में कोई भी बार नहीं है। उसके बाद जाते हैं कोष्टक, ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, कोष्टक यहाँ पे है क्या, तो कहीं भी कोष्टक नहीं है। फिर देखना है ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का, और जहां पर भी का लिखा वहां पे हमें क्या लगाना है गुणा का सिंबल लगाना है, ठीक है, वहां पे क्या लगाना है गुणा, तो यहाँ पे का लिखा है, मतलब यहाँ पे ये क्लियर है कि सबसे पहले इसको हल करना है, ठीक है, सबसे पहले इस वाले पद को हल करना है और इधर यहाँ पे इसको हल करना है, ठीक है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ना है, ठीक, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है ताकि सिर्फ आपका सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो देखें इसको, और यहाँ पे इसको हम हल करेंगे, इसमें जहां पे का लगा उसको सबसे पहले हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाग है तो भाग का के बाद में आता है डिवाइड, ठीक है, भाग बाद में है, ओ मतलब ऑफ मतलब ये का पहले है, इसलिए पहले का को हल करेंगे, मतलब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस का को हटा के क्या करेंगे 1/5 भाग ऐसा जैसा रहेगा, ठीक है, और ये 1/5 का की जगह क्या आएगा गुणा आएगा और 1/5, ठीक है, इस का मतलब क्या होता है गुणा, यदि आप गुणा नहीं लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बिना गुणा लगाए आप डायरेक्ट क्या करो, यहाँ 5 में 5 का गुणा हो जाएगा, ठीक है, गुणा है मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, डायरेक्ट, तो इस तरीके से अपना टाइम बचेगा, अपनी जो एक स्टेप है वो कम हो जाएगी, तो इस तरीके से का लगा मतलब इसका इसमें गुणा कर दो सीधे, ठीक है, गुणा का सिंबल मत लगाओ, तो ये हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे जो का है इसको हल करो पहले, तो ये का है बीच में तो इन दो संख्याओं का गुणा कर दो 5 25, तो 1/25, ठीक है, और ये भाग है तो भाग का निशान लगाओ और 1/5 लिखो, ठीक है, 1/5। अब क्या है, अब केवल भाग का सिंबल है, ठीक है, डिवाइड का केवल सिंबल है, तो डिवीजन करना है तो डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है, तो 1/5 में 1/25 का भाग लेना है,
ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो एक बटा पांच लिखा है ये वाला, ठीक है, ये सिंबल जो डिवाइड का है इसको लिखना है क्या गुणे में, ठीक है, इसकी जगह क्या लिखना है गुणा लिखना है, जो ये संख्या लिखी इसको उल्टा करके लिख देना है, मतलब 25 ऊपर और एक नीचे, तो 25 ऊपर एक नीचे, ठीक, ये ऊपर का हो गया। इसके बाद ये बटे वाला भी इसको भी ऐसे ही करना है, तो ये एक बटा 25, तो एक बटा 25, ठीक है, एक बटा 25, ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको नीचे, यदि नहीं दिख रहा हो तो ऊपर करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा से की ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, ये वाले स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, तो ये स्टेप मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, एक बटे पांच लिखा था अपन ने और इसकी जगह गुणा करके और ये ऊपर और ये नीचे, तो मतलब 25 बटा एक, इसी टाइप से इसको भी करना है, एक बटा 25, एक बटा 25, ठीक है, और भाग की जगह गुणा का निशान और इसको उल्टा करके लिखना, पांच ऊपर एक नीचे, पांच बटे में क्या आएगा एक, ठीक है, अब काट लो सिंपल ही, तो पांच से ये कट जाएगा पांच बार, ठीक है, 50 25, पांच से ये भी कट जाएगा पांच बार, ठीक है, तो ये ऊपर है, इसके बटे में ये है, फिर इसके बटे में ये है, मतलब इसका इसमें गुणा हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25, ये आपका आंसर, ठीक है, 25 आपका आंसर है, तो इस तरीके से इसको हल करना है, ठीक। अब यहाँ पे आप यदि इसे कि एक बार कर लिया आपने, एक बार सीख लिया, उसके बाद ये स्टेप आपकी खत्म कर देना है, इसको हल नहीं करना है और यहाँ पे जहाँ पे लिखा है बस वहां पे ही हल करके इसको खत्म कर देना है, ठीक है, तो वो कैसे, तो वो यहाँ पे देख लो, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। अब सीख लिया अपने, अपने को आ गया, ठीक है, आता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट करें क्या करें, इसका इसमें गुणा हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे गुणा से की भाग है, भाग की जगह गुणा लगा देना है और गुणा का सिंबल लगा के ये 50 25, तो 25 बटे एक हो जाएगा, ठीक है, 25 बटे एक हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे भाग की जगह क्या लग जाएगा गुणा लग जाएगा, ठीक, तो ये हट जाएगा, अब पांच से ये कट जाएगा तो पांच आएगा, ये भी वैसे ये 25 50 25 का लगा है तो 50 25, और यहाँ पे भाग है, भाग की जगह गुणा लग जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 5 बटा 1 हो जाएगा ये वाला, ठीक, तो इधर ये 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, तो ये 5 और ये 5, ये 5 का 5 में गुणा हो जाएगा, कितना आएगा 25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा, आप ट्रिक याद करोगे तो ट्रिक भूल जाओगे, ट्रिक याद करना ही मत, ठीक है, कोई से की फायदा नहीं है, ट्रिक याद करने से उल्टा नुकसान है, यदि आपने अभी आज ट्रिक से कर लिया, एग्जाम में आप भूल गए तो वहां पे आपका इससे मान लो पास हो रहे तो वो फेल भी करवा सकती है, ठीक, तो यहाँ पे से की वीडियो आपने पूरा कंप्लीट देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को आपने यदि इसे सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इसी तरीके से यहाँ पे सीखते रहें, कंटिन्यू बने रहें, और जो सवाल मैंने करने के लिए दिए हैं वो सवाल को आप करें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, सही है या गलत मैं आपको रिप्लाई दूंगा, धन्यवाद।